नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं, सच की खोज में पहुंचे हैं। शायद वो मीडिया ने कभी सच नहीं दिखाया, उस सच की खोज में लोगों के बीच में पहुंचे हैं। हम किसी सूत्रों के द्वारा आपको न्यूज़ नहीं दे रहे, डायरेक्ट लोगों से बात करके डायरेक्ट लोगों से जानते हैं लोगों का क्या कहना है कुछ मुद्दों के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, बाबा राम रहीम जी के बारे में, वह समाज में चल रही बुराइयों के बारे में। सर आपका नाम क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार जी, आपका क्या कहना है जो बाबा राम रहीम जी व डेरा सच्चा सौदा में इतना कुछ मीडिया ने दिखाया था, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, वो तो मीडिया बारे तो ये गलत काम है जी। उन्होंने इस तरह की सच्चाई है जी, वो सच्चाई है, पर इन्होंने बहुत उल्टू पुलट करके सब दिखाया गया। टी वी जो भी रिपोर्ट दी है वो गलत दी है, इन्होंने सही नहीं हैगी इन्हों की रिपोर्ट। आप कह रहे हो कि मीडिया ने जो दिखाया वो गलत दिखाया है, उल्ट पुलट करके दिखाया है, तो फिर क्या किस तरह के हैं बाबा राम रहीम जी? डेरा सच्चा सौदा कैसा है, आप क्या क्या हो गए फिर? नहीं, वो तो पाक पवित्र डेरा है जी, बिल्कुल साफ सुथरा है। सानू उन्होंने नाम लिया अज 15 साल हो गया जी, असं उत्थे जाने हैं, पर जी कोई गल भी है नहीं भी उत्थे किसी तरह का कोई गलत काम हो, गलत कोई किसी तरह का प्रचार होंदा हो, सब नू जोड़न का काम ही करते हैं, भावें हिंदू है, सिख है, मुसलमान, ईसाई है, सारे मतलब जोड़न का काम करते हैं, तोड़न वाली कोई गल है नहीं गी, तो सब काम साफ सुथरा जी। उत्थे यह जी कोई गल भी है नहीं भी जो लोगों के जो गलत काम ढंग कोई काम होंदा हो, सानू बहुत चिर हो गया उत्थे जांदे नू, बहुत वारी असीं जा रहे, पर अजिहा काम उत्थे डेरे विच नहीं होंदा जी। इनका कहना है पाक पवित्र है डेरा सच्चा सौदा, बिल्कुल सच्चे हैं बाबा राम रहीम जी, आपने ये बोला। लेकिन जो इतना कुछ आया था कि लड़कियां वहां जो जाती हैं, आप भी जाते रहे हो, लड़कियां भी जाती हैं, तो क्या लड़कियां जो वहां जाती हैं, जब बहनें जो वहां पे जाती हैं, वो सुरक्षित हैं आपके को? हाँ, वो सुरक्षित है जी, उन्होंने जोड़ा लेडीज़ है जोड़ा उन्होंने डिपार्टमेंट सारा अड्ड है जी, जोड़े जेंट्स है उन्होंने काम सारा अड्ड है जी, वो जो भी सत्संग होंगे भैन भैन आए पास होंगे, बई बई आए पास होंगे, एक दूजे वाल ना हो जाते जी, ना हो जाते हैं, सारा काम उत्थे नान धोन का या जो भी रहन बहन का काम है सारा, वो सारे का दोवों का अलग अलग है जी, भैन का बइया का काम सारे अलग अलग रेंदे है, अलग अलग ही उन्होंने कमरे बने हुए, अलग पास ही रेंदे है, वो अलग पास रेंदे जी। अच्छा, और 6 करोड़ लोग जो बाबा राम रहीम जी के साथ जुड़े हुए थे, 6-7 करोड़ लोग, क्या आज भी वो जुड़े हुए हैं, उनका आज भी विश्वास है बाबा जी पर? हाँ, पूरा विश्वास है जी, जो पिता जी बहर आ जाएंगे वो सारे उदो वध 6-7 करोड़ तो भी ज़्यादा संगत जी उसे पहुँचूगी, जिस तरह हम इस तरह लोगों ने दिवाली का गया जोड़ा त्यौहार वो किसी ने नहीं मनाया, पर जिस दिन पिता जी बहर आ जाएंगे सारे उस दिन सारे दिवाली मनाएंगे जी, वो फर्क तो देखो जी नहीं आया, कोई बुराइयां जड़ियाँ वो किसी ने नहीं, सारे तो दूर ही है जी, तो उन्होंने यह जे उपदेश दिते जी, पहला जोड़ा भी बंदा शराब पीता सी, कोई मीट खाता सी वगैरह जो भी करता सीगा, वो सारे उन्होंने त्यागते जी, हुण आपदा बहुत वधिया जिंदगी गुजार रहा जी, घरां दे घर उन्होंने स्वर्ग बनाते हैगे है, तो घरां दे घर ही वो स्वर्ग बनाई जांदे हैगे है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, जे नाम लैण तों बाद सारी स्वर्ग बन गया जी, घरां दे विच घर बन गया जी। इनका कहना है कि बाबा राम रहीम जी के साथ जुड़ने के बाद घर स्वर्ग बन गए हैं, जो लोग शराब पीते थे उन्होंने शराब छोड़ी, नशा करते थे नशा छोड़ा, ऐसा है बाबा राम रहीम जी का डेरा सच्चा सौदा।